हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी बजाज फाइनेंसर का ईएमआई कार्ड लेना चाहते हैं तो किस तरीके से आप बजाज फाइनेंसर का ईएमआई कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करके घर बैठे कैसे मंगवा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको बजाज फाइनेंसर का ईएमआई कार्ड चाहिए तो हो सकता है कि आपको मजबूरी बस किसी शॉप पर जा करके कोई प्रोडक्ट परचेज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बजाज फाइनेंसर का ईएमआई कार्ड ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम आपको फुल प्रोसेस बताएंगे कि ऑनलाइन ही कैसे आप ले सकते हैं। जो कार्ड का प्राइस रहेगा वही आपको देना पड़ेगा, बाकी आप कार्ड इजिली अप्लाई करके अपने घर पे मंगवा सकते हैं, ना कि आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना पड़ेगा। बिना कोई प्रोडक्ट लिए हुए आप बजाज फाइनेंसर का ईएमआई कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से आपको करना है आज की वीडियो में पूरा प्रोसेस बताएंगे। और ये प्रोसेस जो कि है फ्लिपकार्ट से भी आप कर सकते हैं, जो कि ये फ्लिपकार्ट में भी आया हुआ है, जो कि आपको फ्लिपकार्ट में भी ऐड मिल सकता है। अगर आपको फ्लिपकार्ट में नहीं मिलता है तो आपको डायरेक्ट लिंक हम अभी आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप डायरेक्ट लिंक पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लिपकार्ट पे भी ऐसा ऐड आ रहा है बजाज फाइनेंसर का ईएमआई कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने का। अगर आपको भी शो करता है तो वहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्ट लिंक पे जा सकते हैं बजाज फाइनेंसर का ईएमआई कार्ड अप्लाई करने के लिए। अगर आपको ऐसा कुछ शो नहीं करता है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ पर आ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं गेट योर इंस्टा ईएमआई कार्ड, नीचे आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पे कार्ड है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट योर कार्ड इन 3 easy steps। तो यहाँ पे 3 steps जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद आप इजली अप्लाई कर सकते हैं। 3 step में अप्लाई करके आप इजली ले सकते हैं अपना ईएमआई कार्ड। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर टैप करना होगा, अपना मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर है वही आपको टैप करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देना होगा और यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा तो आप इजली अप्लाई कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इसका जो कि बेनिफिट्स देखना है तो यहाँ से आप इसका बेनिफिट्स देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि बहुत सारा ऐसा डिटेल्स है। यहाँ पे फ़ी के बात किया जाए कि कितना आपको चार्ज लगेगा, तो फ्रेंड्स ज्वाइनिंग फ़ी है, अगर आप कार्ड अप्लाई करते हैं तो इसका जो ज्वाइनिंग फ़ी है यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल आपको पड़ जाएगा 567 रुपये। तो इस कार्ड को आपको बनवाने में 567 रुपये का खर्च आएगा, ठीक है। अगर आप कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप 567 रुपये पे करके इस कार्ड को मंगवा सकते हैं। जैसा कि अगर आपको कार्ड लेना हो तो अगर आप कहीं शॉप पे जाते हैं और बोलते हैं कार्ड लेना है बजाज फाइनेंसर का तो आपको बोलेगा कोई प्रोडक्ट लेने का। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेना पड़ेगा और आप बजाज फाइनेंसर का ईएमआई कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करके घर बैठे मंगवा सकते हैं। बस आपको इसका प्रोसेसिंग फ़ी जो होता है, कार्ड का फ़ी होता है, वही आपको कार्ड का सिर्फ फ़ी पेमेंट करना होगा, ना कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है। जो भी कार्ड का प्रोसेसिंग फ़ी होता है वही आपको पे करना होगा, जो कि 567 रुपये वही पेमेंट करना है और इजली आप ये कार्ड मंगवा सकते हैं, घर बैठे बनवा सकते हैं और आपके घर पे भी होम डिलीवरी हो जाएगा और ये कार्ड आप डिजिटल भी अपने मोबाइल ऐप में देख सकते हैं और कोई भी प्रोडक्ट आप इस परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी बजाज फाइनेंसर का ईएमआई कार्ड इजली मिल रहा है, जो कि फ्लिपकार्ट पे मैंने देखा था ऐसा ऐड। तो इस पे अगर आप जाकर के रजिस्टर करते हैं तो इजली आप बजाज फाइनेंसर का ईएमआई कार्ड ले सकते हैं। जो कार्ड का फ़ी हो वही आपको पेमेंट करना है, जो कार्ड का फ़ी है आपको वही पेमेंट करके आपको मिल जाएगा कार्ड, ना कि आपको कोई शॉपिंग करना पड़ेगा। तो 567 रुपये दे करके आप कार्ड ले सकते हैं, जब आपको शॉपिंग करना हो तब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और डिजिटल जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिजिटली जो कि एप्लीकेशन आता है और वहाँ से आप कार्ड देख सकते हैं, कार्ड नंबर अपना और उसका जो भी डेटा होता है वो आप आसानी से देख सकते हैं, जो कि उसका ऐप आता है बजाज वॉलेट के नाम से, ठीक है। तो वहां पे आप सारे डिटेल्स वहां पे भी जाके देख सकते हैं जब आपका कार्ड अप्रूवल मिल जाता है। और फ्रेंड्स, ये चांसेस जो होता है अप्रूवल मिलने का, जो कि 23 ईयर से, ठीक है, आपका 23 ईयर होना चाहिए। 23 ईयर से अगर आपका एज कम है तो उम्मीद कम है कि आपको ये कार्ड मिलेगा, ठीक है। तो आपका कम से कम 23 साल एज
होना चाहिए, तभी आप ये कार्ड को अप्लाई कर पाएंगे। और जो कि आपका सिविल स्कोर की बात की जाए तो फ्रेंड्स सिविल स्कोर कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, आपका 23 ईयर एज होना चाहिए और आप आसानी से अप्लाई करके ये कार्ड ले सकते हैं। और सिविल स्कोर की बात की जाए तो फ्रेंड्स आपको कम से कम अमाउंट का भी आपको दिया जाएगा इस कार्ड में, और आप उसे यूज करते हैं तो आसानी से आपका सिविल स्कोर भी बढ़ जाएगा और लिमिट भी उसका बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि अगर आपको कोई परेशानी हो अप्लाई करने में तो आप हमें कमेंट करके हमें बता सकते हैं, जो भी परेशानी हो हम रिप्लाई करने की जोर कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं, जो कि इंस्टाग्राम का आईडी वीडियो के स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। और फ्रेंड्स यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।